केटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। मैं नवजोत कौर, नजर डालते हैं आज की खबर पर। पंजाब नेशनल बैंक सर्कल बठिंडा SC ST एसोसिएशन वेलफेयर की एक विशेष मीटिंग टीचर्स होम में हुई। इस दौरान कौमी प्रधान उदय विशेष तौर पर पहुंचे। उनके साथ लोक जनशक्ति पार्टी के FCI मेंबर किरणजीत सिंह गैरी मौजूद थे। इस मीटिंग में सर्कल बठिंडा की सर्वसम्मति में चुनाव करवाए गए। इसमें गुरतेज सिंह कडियारा को 7वीं बार प्रधान नियुक्त किया गया, सेक्रेटरी कंवरजीत सिंह को बनाया गया और 15 मेंबरी एग्जीक्यूटिव टीम नियुक्त की गई। इस मौके पर नेशनल प्रेसिडेंट ने SC ST वेलफेयर एसोसिएशन के कामकाज के बारे में जानकारी दी। पिछले आज चुनाव हुए जी, मैं किरणजीत सिंह गैरी, प्रधान लोक जनशक्ति पार्टी पंजाब प्रदेश। आज श्री अमेर सिंह जी जो PNB SC ST वेलफेयर एसोसिएशन के नैशनल प्रेजिडेंट ने, वो इतने आए, सब तो पहले उन्होंने वेलकम कर दिए जी। ऐ कहने तो अब फिर PNB SC ST वेलफेयर एसोसिएशन सर्कल बठिंडा की चोण हुई है, जिस गुरतेज सिंह कंडारा जी 7वीं बार प्रधान बने ने। उन्होंने कमरजीत जी जो चीफ मैनेजर ने, सैकटरी ने, पूरी टीम, उन्होंने 11 मैंबरी टीम जी बनी है। मैं अपने वालों निजी तौर पर पूरी टीम को मुबारकबाद देना और अमित सिंह जी का धनबाद करता, जिन्होंने इन इस टीम से भरोसा किया। तो मैं अपने वालों लोक जनशक्ति पार्टी वालों इस टीम को एक भरोसा दवाना, कदे भी SC ST दी समस्यावां दे लई कोई जरूरत पवे तो असी निजी तौर पर भी किरणजीत गैरी और लोक जनशक्ति पार्टी उन्होंने नाल खड़ी है। और SC ST वेलफेयर एसोसीएशन गरीब लोगों के SC ST वर्ग के, खास करके सफाई कर्मचारियों के, PNs के, जिन्हें भी कर्मचारी SC ST के है, उन्होंने समस्यावान हल करने वास्ते नैशनल लैवल से अमित सिंह जी की अगुवाई काम कर रही है। बहुत ही शलाघाजोग कदम है। मैं पूरी टीम और ऑल इंडिया के जो प्रेजिडेंट है उन्होंने मुबारकबाद देना। जय भीम, जय भारत। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है जी। क्या कहना चाहिए, आज चुनाव हुए हैं जो SC ST वेलफेयर एसोसिएशन के लिए जो भी मेरे को पोस्ट दी गई है, मैं कोशिश करूँगी कि उसको मैं खरीद कर सकूँ और अपने बंदों का मैं पूरे दिल से साथ दे सकूँ और उन्हें अपनी यूनिट का आगे लेके जा सकूँ।